हेलो एवरीवन, यही एक सवाल है कई लोगों का कि क्रिप्टो या बैंक विड्रॉल। तो इसमें जो है काफ़ी लोग जो सोच रहे हैं कि बैंक में विड्रॉल आ जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं क्रिप्टो ही जो है जिसके थ्रू हमें पेमेंट मिल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आज वीडियो में सारे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा, और जो क्रिप्टो और बैंक विड्रॉल की बात की जा रही है उसे भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बैंक विड्रॉल जो है, अगर बैंक विड्रॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि बैंक में विड्रॉल आए, क्योंकि सितंबर मंथ से लोगों ने अपने बैंक विड्रॉल लगा रखे हैं और अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं। और क्रिप्टो में भी जो पेमेंट लगे थे, मतलब सितंबर मंथ के पहले जो क्रिप्टो में पेमेंट्स लगे थे वो आ भी चुके थे और लोगों ने अपने बैंक में भी उसे विड्रॉल ले लिया है क्रिप्टो में लेने के बाद में। तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है प्रोसेस इसकी आसान नहीं लगती है क्रिप्टो में, आई थिंक इतना हमें डिफिकल्ट होगा और हम इसे जो है प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको इस बारे में क्लियर कर दूं कि देखिए, क्रिप्टो में पेमेंट लेकर के बैंक में लेना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें आसान भी होता है और एक फायदा इसमें और होता है कि यहाँ पर जो आपको रेट मिलता है डॉलर का वो बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मल रेट अगर 82-83 का चल रहा है तो अगर आप उसे सेल कर देंगे बाइनेंस में अकाउंट बना के और फिर उसे सेल कर देंगे तो उसमें आपको जो है 90-93 रुपीज में भी आपका यहां पर सेल हो जाता है, मतलब आप प्रॉफिट में उल्टा वहां पर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर हम तो ये कर नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं होता है। देखिए, क्रिप्टो में आसान नहीं बल्कि बहुत आसान है अगर आप उसको समझेंगे। बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाना है, 500 यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आपको सिंपली उस पर अकाउंट बनाना है। फ्यूचर में मैं भी आपको उसको बताऊंगा कि कैसे वहां पर आपको यहां पर अकाउंट बनाना है सिंपल। उसमें पूरा KYC आपका होता है, कुछ सिंपल सी प्रोसेस होती है उसे करना पड़ता है और आसानी से आप जो उसमें अकाउंट बना लेते हैं। अब उसमें आप ट्रांसफर करके उसे सेल भी कर सकते हैं। मतलब वहां पर कई लोग मौजूद होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है क्रिप्टो की, जो लेना चाहते हैं क्रिप्टो में पेमेंट, और वहाँ पर वो 90-93 रुपीज़ में भी जो है वो लेने को तैयार होते हैं डॉलर। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे कुल मिला के आपको बेनिफिट ही मिलता है। तो अगर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है एडिट बटन का, क्योंकि कहा गया था कुछ वीक पहले कि एडिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप जो है आप आसानी से जो है क्रिप्टो में पेमेंट फिर ले सकते हैं। तो अब सवाल ये उठा कि जो अभी बैंक में विड्रॉल हमने जैसे पहले से लगा रखे, जिन्होंने सितंबर अक्टूबर नवंबर मंथ में जो लगा रखा था, क्या बैंक उनके विड्रॉल्स नहीं आएंगे? तो ऐसा भी नहीं है कि आपके बैंक विड्रॉल्स यहाँ पर नहीं आएंगे। चांसेस तो यहाँ पर यही है कि आपके बैंक में भी विड्रॉल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मिस्टर एश को आपने सुना होगा कुछ वेबिनार पहले कि 200 बैंक से समथिंग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं इस पर काम चल रहा है। तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगी, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा, उसके बाद में बैंक की प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। और UPI ट्रांजेक्शन की भी बात की गई थी कि UPI के थ्रू भी आप जो है पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं बैंक में डील डेफिनेटली चल रही होगी, क्योंकि बैंक की प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक कंट्री की बात नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री की बात हो तो इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे बैंक विड्रॉल भी डेफिनेटली मिलने के चांसेस है। और अगर बैंक विड्रॉल नहीं भी आते हैं, डोंट वरी, हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मैं अपनी तरफ से ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके बैंक विड्रॉल नहीं आते हैं, वैसे तो 99% चांस है कि यहाँ पर आपके बैंक विड्रॉल्स भी आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो डोंट वरी, आपके अगर OCoin में वो वापस रिटर्न हो जाते हैं या आपका पहले से OCoin में कुछ OCoin वहाँ पे पड़े हों तो आप उसको जो है क्रिप्टो में लेकर के अगर एडिट बटन का ऑप्शन आता है तो आसानी से उसको ले सकते हैं आप क्रिप्टो के थ्रू। मतलब कहने का यह है कि अगर दोनों ही कंडीशन में पेआउट्स आते हैं, चाहे वो बैंक विड्रॉल हो चाहे वो आपके क्रिप्टो के थ्रू हो, दोनों में ही हमारा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सितंबर के पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि सितंबर मंथ के पहले कई लोगों ने जो क्रिप्टो में पेमेंट लगाए थे बहुत सारे लोगों के सक्सेसफुल हुए थे और उन्होंने बैंक में भी विड्रॉल लिए थे। तो यहाँ पर एक सवाल और कि भैया यहाँ पर चार्जेस हमें बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। देखिए, $100 लगाते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा आपके वॉलेट में कहीं ना कहीं पड़े हैं तो उस पर आपको जो है $20 का चार्ज पे करना पड़ रहा है अगर आप बैंक में ले रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो में ले रहे हैं तो आपको उसमें $10 का जो है चार्जेस लगता है, और बाद में अगर में भी लेते हैं तो उसमें भी चार्जेस लग सकते हैं। मतलब इतना ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो भाई अगर उसमें 10 भी रहा है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना चार्जेस तो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उन्हें ये चार्ज देना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में कुल मिला के कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सबका सवाल यहां पर ये होगा कि सर कब तक हमें जो है बैंक विड्रॉल मिलेंगे या
और आगे की प्रोसेस होगी, तो उसके लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम चल रहा होगा और अभी भी दिसंबर का मंथ चल रहा है, डेफिनेटली चांसेस तो है कि इसी मंथ में हमें कुछ ना कुछ जो है बैंक विड्रॉल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बट अगर जनवरी का मंथ भी आता है तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 जल्दी आने वाला है और मिस्टर एश ने लास्ट अपडेट में इस चीज को भी क्लियर किया था कि आपके लिए जो है एक जबरदस्त जो शुरुआत होगी जो हमारे 2024 की 2024 की जनवरी मंथ में। तो इस बात को भी अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो कहने का मतलब उनका यह है कि यहाँ पे बहुत कुछ और होने जा रहा है। यहाँ पर बोनस की बात भी डेफिनेटली कही गई थी और देखने को मिल सकता है, लेकिन क्रिप्टो में पेमेंट आए या बैंक विड्रॉल्स आप लें उससे मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपका वो विड्रॉल आना चाहिए। सबको पता है कि विड्रॉल्स कहीं जाने वाले नहीं है, भला से हमारे ओकॉइन में कितने भी ओकॉइन क्यों ना इकट्ठे हो जाए, सभी को 100% पता है कि वो आने ही आने हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या पेशेंस है कई लोगों का वो खो जाता है और वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। तो अब पैनिक होने से कुछ फायदा तो है नहीं, जो होना है वो होगा। तो देखते रहिए, जब भी हमारे बैंक विड्रॉल आते हैं या क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट आते हैं तो भाई बल्ले बल्ले तो होने वाली है। तो बाय बाय, आई लव यू ऑल।